आज के टेक न्यूज़ सुनने के लिए एक्साइटेड हो? थिंक सो, वही लग रहा है, क्योंकि अगर एक्साइटेड नहीं रहते तो क्लिक भी नहीं करते। सो ठीक है, क्लिक किया है तो मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखते और ऐसे ही अभी भाग जाते हो तो आप जो है ट्रेंडिंग न्यूज़ मिस आउट करने वाले हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो चालू करते हैं। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो रियलमी की तरफ से है। अभी रियलमी का जो सब ब्रांड है डीजो, उसने एक ट्वीट किया है कि वो अपना फीचर फ़ोन बहुत ही जल्द लाने वाला है, ठीक है। और उस ट्वीट के हिसाब से ये है कुछ उसके फ़ोटोज़, वो फीचर फ़ोन के फ़ोटोज़, और कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस भी है जो कि लीक होके आ चुके, वो मैं किसी अगले वीडियो में रिव्यू में दे दूँगा। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो GSM Arena की ओर से। GSM Arena जो कि एक न्यूज़ वेबसाइट भी है और उनका ऑफिशियल चैनल भी है, अभी उस चैनल में गूगल पिक्सल बर्ड्स ए सीरीज़ का रिव्यू आ चुका है। अगर आपको वो देखना है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और अगर आपको हमारे चैनल में देखना है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट और जो मेन ट्रेंडिंग न्यूज़ है जो कि मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, वो Xiaomi की ओर से। Xiaomi ने चाइनीज़ रिक्वायरमेंट के हिसाब से दो पोस्टर रिवील किया है, और उस पोस्टर को देख के ऐसा लग रहा है Xiaomi चाइना में जो 11 प्रो लॉन्च करेगा उसमें 200 वॉट का एंड 120 वॉट का हाइपर चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जो कि आपके फ़ोन को बहुत ही जल्दी बहुत ही स्पीड में चार्ज करेगा। और आपको क्या लगता है, Xiaomi ये सेम चीज़ इंडिया में भी करेगा या नहीं, कमेंट में ज़रूर बोलना। फिर नेक्स्ट एंड जो फाइनल न्यूज़ है, संडे इसकी वजह से न्यूज़ कम रहते हैं, सो नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ है वो भी GSM Arena की ओर से। अभी GSM Arena के इधर से वीकली पोल में एक रिज़ल्ट आया है और एक डाटा चार्ट भी आया है, जिसमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि रोलेबल फ़ोन ट्रेंड बनने वाले आने वाले फ्यूचर में, जैसे फोल्डेबल फ़ोन का था वैसे ही अभी रोलेबल फ़ोन का रहेगा। सो वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि आपने तो सुन लिया दूसरों को भी सुनना चाहिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए बस इतना ही।